गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू सेंट बिल्थ्रियड लॉ कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस हमारा जो लास्ट लेक्चर था हम उसमें जो टॉपिक कवर कर रहे थे वो राइट्स ऑफ अनपेड सेलर कवर कर रहे थे जिसमें हम ऑलरेडी दो राइट डिस्कस कर चुके हैं राइट ऑफ लेन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा थर्ड राइट है राइट ऑफ़ रिसेल uh, हमने पढ़ा था कि जो अनपेड सेलर होता है उसके तीन राइट्स होते हैं जो उसको अवेलेबल होते हैं जिसमें हम राइट ऑफ लियर और राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांसिट पढ़ चुके हैं अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट राइट right की जो है आपका राइट ऑफ रिसेल राइट ऑफ रिसेल जो आपका टॉपिक है वो आपके सेक्शन 54 में दिया गया है अब राइट ऑफ रिसेल बेसिकली क्या राइट right होता है अनपेड सेलर का जब हमने पहले वाले दो राइट्स की बात करी थी राइट ऑफ लियन की बात हमने करी थी और राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांज़िट की हमने बात करी थी तो हम वहाँ पर बात कर रहे थे जैसे रा, राइट ऑफ लियन में हम बात कर रहे थे कि जो सेलर होता है वो रिटेन कर सकता है पजेशन गुड्स की अगर उसके जो प्राइस है उसका पेमेंट नहीं होता है तो और जब हम दूसरे राइट की बात कर रहे थे स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट की तो हम उसमें बात कर रहे थे कि जो सेलर है वो रिगेन कर सकता है पोजेशन। अब बात हो गई कि दोनों राइट्स में जो है सेलर पोजेशन को अपने पास होल्ड कर रहा है आ, लियन में भी और स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट में बट नेक्स्ट क्या हो सकता है अब मान लीजिए कि अनपेड सेलर है उसका प्राइस कभी भी पे नहीं होता है तो क्या वो सिर्फ पजेशन को ही अपने पास होल्ड कर सकता है या फिर उसके पास कोई और राइट right भी होता है इसलिए जो हमारा राइट ऑफ रिसेल है उसका कॉन्सेप्ट आया बेसिकली क्या है कि अगर आप सिर्फ पजेशन होल्ड करने का राइट right रखते हैं तो फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं है मान लीजिए कि आपने पोजेशन होल्ड कर ली लेकिन उसके बाद भी बायर आपको प्राइस पे नहीं कर रहा है तो आपके पास एक दूसरा राइट भी होना चाहिए ताकि आपको जो लॉस हो रहा है वो ना हो इसलिए हमारा जो राइट ऑफ़ रिसेल है वो एग्जिस्टेंस में आया राइट ऑफ़ रिसेल बेसिकली ये है कि जब सेलर ने पजेशन अपने पास होल्ड कर ली उसने मान लीजिए बायर को टाइम दिया कि अब मेरे पास पजेशन है उसने बता दिया कि मेरे पास पजेशन है अगर आप पे नहीं करेंगे तो मैं उन गुड्स को किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दूंगा। इससे थोड़ा प्रेशर बनता है बायर के ऊपर अगर ये राइट नहीं होगा तो बायर प्रेशर में नहीं आएगा वो पे नहीं करेगा प्राइस का सेकंड थिंग है कि मान लीजिए कि बायर पे नहीं भी करता है तो सेलर के पास एक ऐसा राइट भी होना चाहिए ताकि उसको जो लॉस हो रहे हैं वो उनको रिकवर कर सके इसलिए जो राइट है वो राइट ऑफ रिसेल एग्जिस्टेंस में हमारे आया है अब इसमें जो राइट है आपका रिसेल करने का वो लिमिटेड राइट होता है इसमें तीन कंडीशंस होती हैं बेसिकली आप या तो एक्सप्रेसली अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं कि अगर आप मेरे गुड्स का प्राइस पे नहीं करोगे तो मैं गुड्स को रिसेल कर दूंगा ये बात होती है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की ठीक है अगर आप एक्सप्रेसली अपने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में ये चीज़ मैंशन कर रहे हो तो आपको ये राइट मिल जाता है उसके अलावा मान लीजिए कि आप आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन ही नहीं किया कि राइट ऑफ आप आपके पास है भी कि नहीं है उस केस में दो चीज़ें होती हैं उसमें जो आपका ये राइट है वो डिपेंड करता है कि आपके गुड्स का नेचर क्या है मान लीजिए कि आपके गुड्स पेरिशेबल नेचर के मान लीजिए कि आप मिल्क की सेल के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस केस में क्या है कि मिल्क की कितनी लाइफ लाइफ होती है ड्यूरेशन होती है एक्सपायरी डेट होती है उसकी दो या तीन दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाता है उसके बाद आप उसको यूज़ नहीं कर सकते आपने बायर के साथ कॉन्टैक्ट किया उसकी सेल के लिए अब बायर को दो या तीन दिन में उसका प्राइस पे करना था वो प्राइस पे नहीं कर रहा है तो पेरिशेबल गुड्स में जो सेलर है उसके पास ये ऑप्शन होता है कि अगर बायर रीज़नेबल टाइम में गुड्स को गुड्स का प्राइस पे नहीं कर रहा है तो सेलर बिना नोटिस दिए बायर को उन गुड्स को रिसेल कर सकता है की बात कर रहे हैं हम पेरिसेबल गुड्स के क्योंकि जो गुड्स का नेचर वो ऐसा है कि अगर उनको दो या तीन दिन में यूज कर लिया जाए तो ठीक है अगर नहीं करते तो वो वेस्टेज हो जाता है उस केस पे सेलर को लॉस होता है तो यहाँ हमने सेलर को राइट ऑफ रिसेल दे दिया इन गुड्स की कैटेगरी में अब बात आती है पेरिसेबल गुड्स में उसको राइटर फ्री सेल दे दिया लेकिन मान लीजिए जो गुड्स हैं वो पेरिसेबल नेचर के नहीं हैं वो नॉन पेरिसेबल नेचर के हैं उस केस में क्या होगा अब मान लीजिए आप नॉन पेरिसेबल गुड्स के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो सेल के लिए बायर को एक टाइम बता देते हो कि इस रीजनेबल टाइम में आपको प्राइस पे करना है लेकिन बायर रिजनेबल टाइम में प्राइस को है वो पे नहीं करता है मान लो आपने बोला कि एक महीने में पे कर दो लेकिन बायर उसको पे नहीं कर रहा है इस केस में भी आपके पास ऑप्शन होता है आपके पास राइट right होता है कि आप गुड्स को रिसेल कर सकते हो लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है वो कंडीशन क्या होती है ये कंडीशन होती है कि यहाँ पे आपको जो बायर है उसको पहले नोटिस देना पड़ेगा नोटिस हम इसलिए देते हैं कि गुड्स पेरिशेबल नेचर के नहीं है नोटिस आपने दे दिया क्या पता कि बायर नोटिस मिलने के बाद आपका प्राइस पे कर दे क्योंकि वो इसका एक्चुअल ओनर होता है तो उसके पास पहला राइट होता है आपने उसको नोटिस दे दिया अगर नोटिस देने के बाद भी बायर आपके प्राइस का पेमेंट नहीं करता है उस केस में आपके पास राइट होता है कि आप जो गुड्स हैं उनको किसी थर्ड पार्टी को रिसेल कर सकते हो इसमें दो चीज़ें होती हैं आप एक तो नोटिस देते हो बायर को कि आप गुड्स को रिसेल कर दोगे अगर वो विद इन रीजनेबल टाइम उस प्राइस का पे नहीं करेगा दूसरा ये होता है कि रिसेल करने से पहले हमने दो राइट्स पढ़े थे तो बायर ऑलरेडी इनमें से किसी एक राइट को अपने एक्सरसाइज कर सक कर चुका है उसने या तो ये राइट ले लिया है या फिर ये राइट या तो उसने गुड्स को लियन में ले लिया है या फिर स्टॉपेज इन ट्रांज़िट वाला जो राइट है उसको उसने एक्सरसाइज कर लिया है दोनों में से कोई सा भी राइट वो पहले ही एक बार ले चुका है उसके बाद अगर बायर प्राइस पे नहीं कर रहा है तो वो उसे नोटिस देगा अगर नोटिस देने के बाद भी वो प्राइस पे नहीं करता है तो वो उन गुड्स को रिसेल कर सकता है ठीक है ये आपका जो थर्ड राइट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है अब हम बात करते हैं कि जब राइट ऑफ रिसेल होता है तो उसमें तीन पार्टीज आ जाती हैं एक तो आपका अनपेड सेलर आ जाता है दूसरा आपका बायर आ जाता है जो ओरिजिनल बायर है वो आ जाता है और तीसरा जो है वो आपका वो बायर आ जाता है जो न्यू है जिसने अभी आपको थर्ड पार्टी को जो सेलर गुड सेल कर रहा है इन तीनों के रिस्पेक्टिवली क्या राइट्स होते हैं जब राइट ऑफ रिसेल हम बात कर रहे हैं तो तो जब हम अनपेड सेलर की बात कर रहे हैं तो अनपेड सेलर की जब हमने बात करी यहाँ पे अनपेड सेलर अपने गुड्स को रिसेल कर रहा है थर्ड पार्टी को मान लो आपने बायर के साथ कॉन्टेक्ट किया था कि आप हंड्रेड रुपीज में गुड्स को बायर को सेल करोगे अब बायर हंड्रेड रुपीज में आपको हंड्रेड रुपीज पे नहीं कर रहा है अब आप किसी थर्ड पार्टी को पे कर जो गुड्स से है उनको सेल करते हो और थर्ड पार्टी अग्री करते है कि वो एटी रुपीज़ में ही आपके गुड्स को खरीदेगी तो यहाँ पे जो सेलर है अनपेड सेलर है उसको ट्वेंटी रुपीज का लॉस हो रहा है तो क्या ये जो सेलर है अनपेड सेलर वो कोई राइट right होल्ड करता है कि वो जो ओरिजिनल बायर था जिसने ब्रीच किया है जो प्राइस पे नहीं कर रहा है उससे उस लॉस उस को रिकवर कर सके तो यहाँ हम दो सिचुएशंस की बात करेंगे जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे कि एक सिचुएशन ऐसी होती है यहाँ पे नोटिस देना कंपलसरी होता है ठीक है एक तो सिचुएशन होती है जब आप नोटिस दे रहे हो बायर को और एक सिचुएशन होती है जब आप नोटिस नहीं दे रहे हो तो जब हम बात करते हैं कि अनपेड सेलर का क्या कोई राइट होता है क्या लॉस को रिकवर करने का ओरिजिनल बायर से तो हम यहाँ दो चीज़ें पढ़ेंगे अगर अनपेड सेलर बायर को नोटिस दे चुका है और नोटिस देने के बाद भी आपका बायर प्राइस पे नहीं कर रहा है और उस केस में आप थर्ड पार्टी को गुड्स को रिसेल कर रहे हो और थर्ड पार्टी को रिसेल करने पे आपको लॉस हो रहा है तो आप राइट right होल्ड करते हो कि आप ओरिजिनल बायर से जो आपको लॉस हो रहा है उसको रिकवर कर सकते हो आप यहाँ पे जो ट्वेंटी रुपीज़ हैं वो बायर से रिकवर करने का राइट रखते हो अगर आपने बायर को नोटिस दिया था रीसेल का तो और अगर आप नोटिस नहीं देते हो बिना नोटिस दिए गुड्स को रीसेल करते हो तो आपके पास लॉस को रिकवर करने का राइट नहीं होता है यहाँ हम अनपेड सेलर की लॉस की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे ये यह सिचुएशन भी हो सकती है कि मान लो यहाँ सौ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फिर आपके आपने एटी रुपीज़ में गुड्स को थर्ड पार्टी को रिसेल किया यहाँ पे हो सकता है कि आपके जो रिसेल है वो वन ट्वेंटी रुपीज़ की हो जाती तो यहाँ आपको ट्वेंटी रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है तो क्या इस कंडीशन में अनपेड सेलर की ये ड्यूटी बनती है कि वो बायर को जो एक्स्ट्रा रुपीज़ है वो पे करे नहीं बायर uh, जो है उसको जो प्रॉफिट हो रहा है जो अनबेड सेलर है उसको जो प्रॉफिट हो रहा है गुड्स को ज़्यादा प्राइस में रिसेल करने पे वो उन उस प्रॉफिट को खुद के पास रखता है उसको कोई ड्यूटी नहीं होती है कि उसको ओरिजिनल बायर को वो पे करे वो सिर्फ जो है रिकवर कर सकता है लॉस उसकी कोई ड्यूटी नहीं बनती है कि वो प्रॉफिट को भी जो ऑरिजिनल बायर है उसको पे करे ठीक है अब हम बात अब बात करते हैं कि यहाँ पे हमने बात की कि अनपेड सेलर का क्या राइट होता है ठीक है अब हम बात करेंगे कि ओरिजिनल बायर का क्या राइट होता है जब हम अनपेड सेलर के राइट की बात कर रहे हैं तो ऑबवियस है कि जो ओरिजिनल बायर है उसका जो राइट है वो रिवर्स होगा अनपेड सेलर के रिवर्स से क्या मतलब है कि क्या ओरिजिनल बायर को राइट होता है प्रॉफिट को रिकवर करने का ठीक है वहाँ उसको लॉस रिकवर करने का राइट था क्या अब बायर की जब बात कर रहे हैं तो क्या उसको राइट होता है कि वो जो रीसेल हो रही है उसमें वो प्रॉफिट्स को रिकवर कर सके तो जब हम बात करते हैं आफ्टर नोटिस ठीक है यहाँ पे भी हम पढ़ रहे थे आफ्टर नोटिस जब आ, सेलर ने नोटिस दिया बायर को आ, और उसने प्राइस पे नहीं किया तो उसके पास कोई राइट नहीं होता है कि वो सेलर को बोल सके कि जो प्रॉफिट है वो मुझे पे कर दो ठीक है अगर नोटिस नहीं देता है तो बायर जो है वो प्रॉफिट्स को ले सकता है वो राइट क्लेम कर सकता है कि आप मुझे प्रॉफिट देंगे आपको जो रिसेल से हो रहा है वो और अब बात आती है न्यू बायर की न्यू बायर की बात यही होती है कि दोनों केसेस में आफ्टर नोटिस और विदाउट नोटिस दोनों केसेस में उसके यही राइट होता है कि वो जिस भी पार्टी से गुड्स को आ, बाय कर रहा है आ, मतलब सेलर से अगर बाय कर रहा है बायर ने आ, सेलर ने बायर को नोटिस दिया या नहीं दिया इसका जो न्यू बायर है उसके टाइटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो गुड टाइटल होल्ड करता है दोनों केसेस में ठीक है यहाँ इसके बोनाफाइड होना चाहिए और ये है कि उसके राइट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इनके नोटिस का तो ये बात हो गई आपके राइट ऑफ रिसेल की अनपेड सेलर के जो राइट्स हैं जो तीन राइट्स हैं वो हम यहाँ पूरे कवर कर चुके हैं अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि जब हम अनपेड सेलर की बात कर रहे हैं राइट्स uh, की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ रिस्पेक्टिवली uh, दो तरीके के राइट्स पढ़ेंगे राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर और राइट ऑफ बायर अगेंस्ट अनपेड सेलर इन दोनों केसेस में ये होगा कि अनपेड सेलर का मान लीजिए प्राइस पे नहीं हो रहा है तो उस केस में उसको क्या-क्या राइट्स होते हैं बायर के अगेंस्ट में ठीक है और बायर के क्या-क्या राइट्स होते हैं सेलर के अगेंस्ट में तो जो हम पहले डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि अनपेड सेलर के क्या-क्या राइट्स होते हैं आपके बायर के अगेंस्ट में ठीक है तो जब अनपेड सेलर की बात कर रहे हैं हम तो अगर हम जनरली देखें अगर हम थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज़ करें तो जब हम एंड पेड की बात कर रहे हैं कि उसका प्राइस ही ड्यू है वो पे नहीं हो रहा है तो जो अनपेड सेलर है उसका बायर का सबसे पहला राइट right क्या हो सकता है सबसे पहला राइट right उसका यही हो सकता है कि वो सूट फाइल कर सकता है प्राइस के लिए सू कर सकता है उसको प्राइस के लिए ये जो आपका राइट right है वो आपके सेक्शन 55 में दिया गया है अब इसमें भी दो सिचुएशंस होती है ठीक है सूट का फाइल कर सकता है पहली जो सिचुएशन होती है अगर आपने बायर को ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी है तो लाइक हमने यहाँ पे लिखा है अगर प्रॉपर्टी जो सेलर है वो ऑलरेडी बायर को ट्रांसफ़र कर चुका है तो वो डायरेक्टली जो है प्राइस के लिए सूट फाइल कर सकता है अगर रीजनेबल टाइम में उसका प्राइस पे नहीं हो रहा है तो अब जो दूसरी सिचुएशन होती है उसमें ये होती है कि मान लीजिए सेलर ने जो ओनरशिप है उसको ट्रांसफर ही नहीं किया है ठीक है और जो सेल प्राइस है वो एक सर्टेन डे पे पे होना डिसाइड हुआ था इसमें दोनों सिचुएशंस आपकी सेटिसफाइड होनी चाहिए एक तो आप ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो बट फिर भी आपने डिसाइड किया था कि इस सर्टेन डे को आपको प्राइस पे होना चाहिए था उस सर्टेन डे को अगर प्राइस नहीं पे होता है ओनरशिप ट्रांसफ़र ना होने के बाद भी आप जो सूट है वो प्राइस के लिए फाइल कर सकते हो बायर पे ये अनपेड सेलर का राइट right होता है अगेंस्ट बायर अब इस केस में क्या होता है जो बायर है वो रॉन्गफुली एक्ट करता हुआ होना चाहिए मतलब रॉन्गफुली या तो वो रिफ्यूज़ कर रहा है उसका इंटेंशन अच्छा नहीं होना चाहिए प्राइस ना पे करने के पीछे ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोई मजबूरी हो गई है या कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई हैं कि वो नहीं पे कर सकता जो सिचुएशंस इग्नोर नहीं की जा सकती यहाँ पे जो है वो रॉन्गफुली वर्ड यूज़ करेंगे हम क्योंकि उसका इंटेंशन सही नहीं होना चाहिए अगर बायर का इंटेंशन सही नहीं है वो प्राइस पे नहीं करना चाहता है तो आप है बायर पे प्राइस का सूट फाइल कर सकते हो यहाँ पे जब हम सूट की बात कर रहे हैं तो इसमें डिलीवरी का कोई रोल नहीं है आपने डिलीवरी करी है गुड्स की या नहीं करी है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके सूट को फाइल करने के लिए अब इसमें दूसरी सिचुएशन होती है दूसरी सिचुएशन ये होती है कि जब गुड्स डिलीवर्ड नहीं हुए हैं मान लो आ, यहाँ पे हमने बात किया कि इ रिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी होता है डिलीवरी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो अब एक चीज़ आती है कि मान लीजिए आपने डिलीवरी नहीं करी ठीक है तो उस केस में क्या है कि आप सूट फाइल कर सकते हो, हो उस केस में प्राइस के लिए मान लो आपने डिलीवरी डिलीवरी नहीं करी आपकी पोजेशन में ही है गुड्स तो बायर आपको कह सकता है कि आपकी पोजेशन में ही है गुड्स आप डैमेजेस क्लेम कर लीजिए प्राइस क्यों क्लेम करें डैमेजेस आपको जो भी हो रहे हैं वो क्लेम कर लीजिए लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन है मान लो डिलीवरी नहीं दे रहे हो आप गुड्स की और गुड्स ऐसे नेचर के हैं जो स्पेशली मैन्युफैक्चर कराए गए थे ठीक है बायर ने ऑर्डर देखे कि मुझे पर्टिकुलर कस्टमाइज गो गुड्स उसने ऑर्डर किए थे कि मुझे इसी टाइप के गुड्स चाहिए ठीक है अगर वो गुड्स उसी टाइप के हैं और डिलीवरी नहीं हो रही नहीं हुई है उसके बाद भी जो सेलर है वो राइट right होल्ड करता है कि वो पूरा प्राइस जो है उसके लिए सूट फाइल कर सकता है बाहर यहाँ पे ये नहीं करेगा कि पोजेशन भी आपके पास है आप गुड्स को रीसेल कर दो मुझसे क्यों प्राइस क्लेम कर रहे हो नहीं अगर आपने स्पेशल ऑर्डर दे के गुड्स मैन्युफैक्चर कराए हैं तो आपके पास गुड्स की पोजेशन है या नहीं है सेलर का राइट होता है कि वो आपको पूरे प्राइस के लिए वहाँ पे सूट फाइल कर सकता है पूरा प्राइस आपसे क्लेम कर सकता है अब हम बात करते हैं सेकेंड राइट की ठीक है इसी के कंटिन्यूएशन में ये राइट मान के चलते हैं हम कि यहाँ पे भी वही चीज़ होती है सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस सेक्शन 56 इसमें क्या होता है कि uh, यहाँ पे तो आपकी प्रॉपर्टी पास हो गई है बायर रॉन्गफुली प्राइस पे नहीं कर रहा है यहाँ पे बायर क्या है वो एक्सेप्ट accept, एक्सेप्टेंस ही नहीं दे रहा है जब वो एक्सेप्टेंस ही नहीं दे रहा है तो उस केस में आपके पास राइट होता है कि आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो आप सूट फाइल कर सकते हो बायर के ऊपर के आप गुड्स एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे हो मुझे ये लॉस हो रहा है इसकी वजह से मान लो आ, मैं बात करूँ मैंने ए ए ने किया को ठीक है बी बी को ऑर्डर किया बी ने सी को यहाँ पे मान लीजिए कि आपने थर्ड पार्टी से भी कोई कांटेक्ट कर रखा था अब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है तो इसकी वजह से आपको कोई लॉस हो रहा है तो उस केस में आपका जो लॉस वाला पार्ट है आप सिर्फ उस लॉस वाले पार्ट के लिए जो है बायर को सूट फाइल कर सकते हो बायर से लॉस आप जो है वो क्लेम कर सकते हो ऐसे डैमेजेस क्लेम कर सकते हो तो यहाँ पे जो डैमेजेस की जो क... जब हम डैमेजेस की आ, बात करते हैं कि डैमेजेस कैसे पता चलते हैं कि इतने डैमेजेस हुए तो वो जो आपका सेक्शन है सेवेंटी थ्री इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक्ट के सेवेंटी थ्री जो सेक्शन है उसके बेसिस पे यहाँ पे जो डैमेजेस हैं उनका प्राइस आ, पता करते हैं कि इतने डैमेजेस जो है वो बायर सेलर को पे करेगा अब बात आती है आपके थर्ड राइट की अनपेड सेलर के अगेंस्ट बायर थर्ड राइट आपका सिक्स सिक्सटी वन में दिया हो गया से, सेक्शन सिक्सटी वन में थर्ड uh, राइट right आपका कहता है सूट फॉर डैमेजेस एंड इंटरेस्ट ठीक है अब ये राइट right क्या होता है जब हम इन तीनों राइट्स को देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि थोड़े सिमिलर से ही है बट सिमिलर नहीं होते हैं uh, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी पास कर चुके हो गुड्स की एक्सेप्टेंस हो चुकी है या नहीं भी करिए तो बायर एक्सेप्ट कर चुका है यहाँ पे बायर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है और यहाँ पे क्या होता है स्पेशल सिचुएशंस होती हैं मान लीजिए कि पार्टीज़ को ऑलरेडी पता है ठीक है जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे कि ए ने बी से किया बी ने सी से किया या फिर ए ने ऑलरेडी मतलब ए ए ने जब बी को सेल के लिए कांटेक्ट किया था तो ए ने किसी थर्ड पार्टी से खरीद के गुड्स दिए थे उसको तो ये अगर ऐसी चेन बन रही है और पार्टीज दोनों पार्टीज को पता है कि आ, एक पार्टी के ब्रीच करने से दूसरी पार्टी को लॉस हो सकता है वहाँ पे मान लीजिए कि बायर को पता है कि अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करूँगा तो जो सेलर है उसको काफ़ी लॉस हो जाएगा उस केस में जो है उस उस केस में अनपेड सेलर के पास ये राइट होता है कि वो स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर सकता है प्लस इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जिस दिन आपने ब्रीच करी उस दिन से लेके और जब तक आप प्राइस पे करते हो उस ड्यूरेशन के बीच का आपको इंटरेस्ट पे करना होता है प्राइस के ऊपर ये जो राइट है वो उन्ही सिचुएशंस में होता है जब दोनों पार्टीज़ की नॉलेज में होता है कि एक भी पार्टी के ब्रीच करने से जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें दूसरी पार्टी को सेकंड पार्टी को काफ़ी लॉस हो सकता है स्पेशल कैटेगरी के, के जो गुड्स होते हैं उन केस में ये रूल एप्लीकेबल होता है तो ये हमारे जो राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं ये सिर्फ तीन राइट हैं आप प्राइस के लिए क्लेम कर सकते हो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो प्लस आप डैमेजेस स्पेशल डैमेजेस प्लस इंटरेस्ट के लिए जो है बायर को सू कर सकते हो और उसे क्लेम कर सकते हो अब बात आती है कि हमने सेलर को तो इतने राइट दे दिए तो सेलर को हम इतने राइट दे चुके हैं तो उस केस में हमने बायर को भी क्योंकि हर चीज है ना साथ साथ चलती है को एक्सटेंसिव होती है आपने सेलर को इतने राइट दे दिए लेकिन बायर के राइट्स की हमने यहाँ पे कहीं भी बात नहीं की तो यहाँ पे क्या है अनपेड सेलर के केस में ये होता है कि बायर को भी कुछ राइट होते हैं बायर अनपेड सेलर के अगेंस्ट कुछ राइट होल्ड करता है वो राइट्स क्या होते हैं हम बात करेंगे सबसे पहले राइट की जो सबसे पहला राइट है वो सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट नॉन डिलीवरी 57 में दिया हुआ है आपके सेक्शन 57 में इसमें यही एग्जांपल है ए ने बी से किया था बी ने सी से किया था मान लो ए ने ए ने कांटेक्ट किया बी से आ, कि मुझे ये गुड्स आपको आ, मैं खरीदना चाहता हूं ए ने बी को कांटेक्ट किया कि मैं आपसे ये गुड्स बाय करना चाहता हूं अब बी ने सी से गुड्स ख़रीद के इसको देने थे ठीक है अब क्या है कि आ, ए ने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दिया ए ने ब्रीच कर दिया तो यहाँ पे बी को ये राइट है कि जो सी से वो गुड्स खरीद रहा था अगर उसकी वजह से उसको कोई लॉस होता है तो वो जो लॉस है वो डैमेजेस हैं वो रिकवर uh, कर सकता है आपके सेलर से ठीक है तो ये हेडिंग भी आपके इस राइट की यही है सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट नॉन डिलीवरी ठीक है अगर सेलर uh, 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 जो है वो डिलीवरी नहीं कर रहा है गुड्स को इस केस में ये भी आप लिख सकते हो कि ए ने uh, ए को जो सैलर है ए को गुड्स डिलीवर करने थे बी को बी ने फिर फर्दर किसी थर्ड पार्टी से कांटेक्ट कर रखा था अब ए गुड्स ही डिलीवर नहीं कर रहा है और यहाँ पे एक को ये पता था कि बी को सी को भी गुड्स डिलीवर करने हैं और रीजनेबल टाइम में करने हैं बट स्टिल उसने ये नॉलेज होने के बाद भी गुड्स को डिलीवर नहीं किया है तो जो बी है वो लॉसेस के लिए ए को क्लेम uh, कर सकता है उसके ऊपर सूट फाइल कर सकता है अब जो सेकंड आपका राइट right है वो है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ठीक है जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात होती है तो बेसिकली जब हम बात करते हैं आपकी किसी ब्रीच हो रही है या आपको लॉस हो रहा है तो आप बात करते हो कि आप डैमेजेस क्लेम कर लेते हो जब हम टॉट में भी पढ़ते हैं एसआरए uh, में पढ़ते हैं हम स्पेसिफ़िक परफॉर्मेंस ठीक है टॉर्ट में क्या होता है अगर आपको कोई डैमेजेस हो रहे हैं तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो ठीक है लेकिन यहाँ पे बात हो रही है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की 58 सेक्शन है आपका ये आ, ये वो सिचुएशन होती है कि मान लीजिए आपने कोई स्पेसिफिक या सर्टेन कोर्ट से उनका ही ऑर्डर दिया था और यहाँ पे आ, अगर ये डिलीवरी का काम नहीं हो रहा है सेलर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बायर को उसकी वजह से बहुत लॉस हो रहा है आप स्पेसिफिक कस्टमाइज गुड्स के लिए ऑर्डर दे रहे हो तो उस केस में क्या है कि जो डैमेजेस हैं वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं होता है अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके डैमेजेस जो हैं वो एडिक्यूएट रेमेडी नहीं हो सकती उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो यहाँ पे बायर ये राइट होल्ड करता है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल कर सकता है सेलर के ऊपर ठीक है अब आपकी जो नेक्स्ट राइट right है वो है सूट फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी ठीक है ब्रीच ऑफ वारंटी हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ब्रीच ऑफ वारंटी एसेंशियल कंडीशन होती है जब एसेंशियल होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकता है लेकिन हम यहां पे पढ़ रहे हैं सूट फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी सेक्शन 59 में इसकी बात की गई है यहाँ पे हम डैमेजेस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें ये कंडीशन है कि ये जो वारंटी है वो आपने एज ए कंडीशन ट्रीट कर लिया है आपने मान लिया हमने ये भी पढ़ा था कि किन 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 कंडीशंस में किन किन सिचुएशंस में वारंटी है उसको कंडीशन की तरह ट्रीट किया जा सकता है ठीक है जब आप वारंटी को कंडीशन की तरह ट्रीट कर रहे हो और वारंटी का ब्रीच हो रहा है तो उस केस में आप सूट फाइल कर सकते हो अनपेड छलर के ऊपर डैमेजेस है इसके लिए ठीक है कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करने के लिए नहीं करोगे क्योंकि रिसाइंड आप तभी कर सकते हो जब वारंटी को वारंटी की तरह ट्रीट कर रहे हो अब ब्रीच हो रहा है वारंटी का जो हम नेक्स्ट अपने राइट में पढ़ेंगे नेक्स्ट राइट आपका यही कहता है कि अगर ब्रीच ऑफ आपका कंडीशन हो रहा है अगर आप आपका ब्रीच ऑफ कंडीशन हो रहा है उस केस में आपके पास ये राइट होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड भी कर सकते हो और डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकते हो ठीक है ये दोनों सेम uh, सेम ही है यहाँ पे बस यही होता है कि uh, यहाँ पे जो कंडीशन है उसको आपने वारंटी की तरह ट्रीट कर लिया था और यहाँ जो कंडीशन है वो कंडीशन के नेचर में ही है जब कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट कर रहे हो uh, तो उस केस में आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो सिर्फ और जब कंडीशन कंडीशन की तरह ट्रीट की जा रही है तो वहाँ पर आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको रिसाइन कर सकते हो और लास्ट जो है आप प्राइस के लिए केस uh, फाइल कर सकते हो उसके ऊपर और इंटरेस्ट के लिए भी फ़ाइल कर सकते हो या तो आपको गुड्स डिलीवर नहीं हुए या जो गुड्स डिलीवर हुए वो डिफेक्टिव टाइटल के साथ डिलीवर हुए स्टोलन है थेफ्ट जो भी केस है अगर वो डिफेक्टिव टाइटल में हुए हैं तो आप प्राइस के लिए और इंटरेस्ट के लिए दोनों के लिए सूट फाइल कर सकते हो अनपेड सेलर के ऊपर यहाँ पे आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट खत्म हो जाता है नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे सेंट Wilfrid College of Law सेक्टर 10, मीरा मार्ग मध्यम मार्ग जयपुर राजस्थान